हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं जा रहा हूँ, सोनी का वर्कशॉप हो रहा है, ऑरेंज होटल है वहाँ पर। तो वहाँ पर सोनी के बारे में बताएंगे, सोनी कैमरे के बारे में बताएंगे। और वहाँ पे मुझे इनवाइट किया है, मुझे 11 बजे बोला था कि जो कि मैसेज आ गया था मेरे पास व्हाट्सअप पे 11 बजे आपको आना है, और 11 पर घर पे ही बच चुके हैं, जो कि आज मैं लेट उठा था थोड़ा, तो इस वजह से। और अभी मैंने नहाया भी नहीं हूँ, अभी मैं नहाऊंगा, फिर नहाने के बाद हम चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या क्या चीज़ें बताएंगे, सोनी के कैमरे के बारे में बताएंगे सारी चीज़ें, और चलते हैं। हे गाइस, मैं हो चुका हूँ रेडी, अब हम चलते हैं ऑरेंज होटल। तो गाइस, मैं आ चुका हूँ संजन चौराहे पे, और अभी यहाँ पे टाइमिंग चल रही है, अभी तो टाइम लग रहा है, तो आगे चलते हैं, आप देख पा रहे होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं ऑरेंज होटल आ चुका हूँ। भाई साहब, यहाँ पर फोटोग्राफर को एक है कि टाइम से नहीं आते हैं, टाइम का विशेष ध्यान रखें, 11 बजे का टाइम और बिल्कुल बिल्कुल लेट हो गया। मैं नीचे नेटवर्क नहीं आ रहा है, चक्कर में ऊपर खड़ा होना पड़ रहा है, इंतजार करना पड़ रहा है सबका। चलो नीचे बेसमेंट में चलो, चलते हैं, हम अंदर चलते हैं और देखते हैं। दोबारा से बताएंगे सारी चीजें। नहीं मिल गए मेरे को। अच्छा, तुम आगरा में रहते हो? हाँ, मैं आगरा से रहता हूँ सर। मुझे फिर दोबारा से मिल गए, जो कि फेयर में मिले थे हमें। FX6 है, काफी अच्छा कैमरा है। ब्रेक हो गया था तो अभी लंच कराएंगे। विक्की भाई हैं, जो कि हमें इन्होंने इनवाइट किया था, और बहुत अच्छा लग रहा है और सारी चीज़ें अच्छे से बताई जा रही हैं। अभी तो हमारा गैप हो चुका है, तो ईद का गैप है, जो कि आप लोग देख पा रहे हैं। अभी सभी लोग इधर बैठे हुए थे, अब कोई नहीं बैठा है, और अभी दोबारा से चालू होगा। ग्रिप बहुत बड़ी है, तो कितना ही बड़ा आपका हाथ हो, आप इसको आसानी से होल्ड कर पाओगे। दूसरा, इस पे पूरी बॉडी के ऊपर कस्टमाइजेशन बटन बहुत सारे दिए, तो आप सेटिंग्स को डायरेक्टली कस्टमाइज कर सकते हो। 360 डिग्री फ्लिपेबल डिस्प्ले, और एक बहुत अच्छी चीज ये है कि इसमें फैन लगा हुआ है। तो अगर मैं इसके नीचे से ट्राइपॉड का माउंट हटाऊं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे होल है, दिख रहा है सबको आपको? यहाँ साइड में भी एक रिग दिख रही होगी आपको, राइट, रेल दिख रही होगी। तो ये बेसिकली एक इसमें एक्टिव कूलिंग सिस्टम है, और कैमरा को हीट होने से बचाता है, प्रिवेंट करता है। अगर आप कंटिन्यू शूट कर रहे हो तो आपका कैमरा हीटअप नहीं होगा। सबसे अच्छी चीज ये है कि इसमें कोई रिकॉर्डिंग लिमिट नहीं है। आपको शायद ये पता होगा कि आप नए कैमरास में रिकॉर्डिंग लिमिट हटा दी गई है। आपको याद होगा, देयर वाज अ टाइम हमारे कैमरा 29 पे वो ट्रैकिंग चला, फिर आप गिम्बल मूव करो, आपका कैमरा कंटिन्यूसली उसी को ट्रैक करेगा। सारी मिक्सिंग भाई आपको क्योंकि बहुत बेसिक क्वालिटी का होता है। तो अभी क्या हुआ कि मैंने रिसेंटली डॉक्यूमेंट्री करी थी, एंड आई यूज दिस कैमरा। हमारे भगवान सिंह भैया उधर बैठे हुए झांक रहे हैं, देख रहे हैं, मतलब वो खरीदे मतलब होना देखेंगे सर, तो खरीदेंगे ना, एक्सपीरियंस लेंगे। तो अभी ऑटोमेटिक स्विच कर दी, ठीक है, नीचे देखिए एंटी चेंज हो रहा है, इधर आया 1/4 हो गया, ये आपका 1/10 हो गया। तो लाइट बेसिकली सेंसर ऑटोमेटिक हाईलाइट करते हैं, ठीक है। और एक आता M सीरीज, जो मोस्टली यहाँ पर सब लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे, M3 है, M4 जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है ना, तो डिफरेंस क्या होता है इन तीनों कैटेगरी में, मैं आपको बताता हूँ। जो हमारी S सीरीज होती है ना, वो ना हम उसको प्रायोरिटी देते हैं ना वीडियो में, तो वो वीडियो की नीड ज्यादा होती है। जैसा कि आजकल शॉर्ट फिल्म चलती है OTT चैनल पर, जितने भी शॉर्ट मूवीज आ रही है ना, तो वो सब वेट कैमरे से बनती है कि भैया कैमरे से हमें डिटेलिंग अच्छी मिल जाती है, और हम कैमरे से ना फ्रीडम होते हैं। अगर हमें कोई भी लेंस लगाना है
चाहे वो मैक्रो लेंस हो, वाइड एंगल लेंस हो, टैली लेंस हो, जिस तरह का भी हमको लेंस लगाना हम फ्रीडम होते हैं या अपना माउंट पर लगा सकते हैं, ठीक है। और वीडियो क्वालिटी के अंदर बहुत अच्छा मिलता है आपको। देन आती है हमारी आर सीरीज। गाइस जो के खाने के लिए टोकन मिल चुका है, जो कि मेरे 27 नंबर है और सभी लोगों को मिल चुका है, जो कि राजू को भी मिल चुका है और ये मनीष भाई हैं इन्हें भी मिल चुका है टोकन। हमारे मोहित भाई हैं, सब लोगों को टोकन मिल चुका है और सब लोग अब उठ चुके हैं, जो कि अब हम लंच करेंगे और कुछ ही देर में, और हम थोड़ा सर से बातें करेंगे और पूछेंगे कैमरे के बारे में। और यहाँ से सभी लोग अब जा रहे हैं, जो कि हम लोग सभी जा रहे हैं, जो कि ग्रुप फोटो एक करवाएंगे और एक ग्रुप फोटो के साथ एक सेल्फी लेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा, जो कि सब लोग यहाँ पे आ चुके हैं, बारी बारी से आ रहे हैं और ग्रुप में एक फोटो होगा यहाँ पर। मैं तो सबसे आगे बैठूंगा, जो कि सबको पहले बैठने दूंगा, उसके बाद हो रहा है सब टीम का।